पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जैसे ही भारत में कदम रखा याद आया 31 साल का वो इतिहास जिस पर है बाबर की नजर। क्या बाबर की सेना में है इतनी ताकत जो भारत में 31 साल की दीवार गिरा पाएगी? आखिर कैसे भारत से टकराएगी? बाबर के वर्ल्ड कप चैंपियन के सपने को कुचलेंगे भारत के सुरमा? क्या पूरी पाकिस्तानी टीम मिलकर हिला पाएगी रोहित की सेना? जी, वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से हो रहा है, वही अभ्यास मुकाबले बीते कल से शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड कप जीतने के सपनों के साथ भारत आई पाकिस्तानी टीम को कल के अपने पहले ही मुकाबले में करारी हार मिली और न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से हार का स्वाद चखाया उससे ये साबित हो गया कि कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। और पाकिस्तानी टीम में अभी वो दम नहीं है जिसको लेकर बाबर मन ही मन हिलोरे मार रहे हैं। पाकिस्तान बल्लेबाजी में बाबर, रिजवान और फखर जमान के दम पर उछलती है तो गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, हरीश रऊफ के दम पर उछलती है। लेकिन कल एक बार फिर से गेंदबाजी की पोल खुल गई और अच्छा खासा स्कोर बना के भी पाकिस्तान स्कोर का बचाव नहीं कर सकी और मुकाबला गंवा दिया। पाकिस्तान के इंडिया में आते ही दर्शकों को बस एक ही दिन दिखाई दे रहा है, वो है 14 अक्टूबर जब पाकिस्तान टीम के सामने इंडिया होगी और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज महामुकाबला होगा। पाकिस्तानी टीम जैसे ही भारत पहुंची वैसे ही चेहरे पर कड़क स्माइल थी, बाबर का स्वागत जबरदस्त तरीके से हुआ जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जो सपने लेकर पाकिस्तान की टीम आई है क्या वो 19 नवंबर को अहमदाबाद में भी नजर आएगी? पाकिस्तानी टीम 7 साल बाद इंडिया आई है, बाबर की सेना में ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार खेलते नजर आएंगे। टीम के भरोसे से लग रहा है कि पाकिस्तान अच्छा खेल दिखाएगी, लेकिन ऐसे में एक डायलॉग याद आता है कि हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। पाकिस्तान इस जगह कहां टिकता है ये देखने वाली बात होगी। इस बीच इस वक्त 31 साल की वो कहानी चर्चा में है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान 31 साल की दीवार गिरा पाएगी? क्या इतना दम है कि पाकिस्तान इतिहास रच पाएगी? आपको बताते चले कि 31 साल के सपने को दोहराने के लिए पाकिस्तानी टीम की आंखें ओझल हो गई है। इस इंतजार ने 7 सपने को तोड़ा है और कहीं इस बार 8वीं बार न टूट जाए। कहते हैं करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है और इन दोनों में पाकिस्तान का क्या कुछ कर दिखाने की हैसियत है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान को 31 साल की दीवार गिरानी है तो इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी की। पाकिस्तानी टीम में अब्दुल्ला शफीक, फखर जमा, इमामुल हक, रिजवान और बाबर जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। इनमें बतौर ओपनर फखर जमा और इमामुल हक उतर सकते हैं और ये दोनों पाकिस्तान की पहली पसंद भी हो सकते हैं। दोनों ने अभी तक वनडे की 59 पारियों में बतौर ओपनर 42.79 की औसत से 2482 रन बनाए हैं। पाकिस्तानी टीम का पूरा दांव बाबर आजम पर टिका है। वर्ल्ड कप के इस जंग में 50 से ज्यादा की औसत से रन बनाने वाले बाबर आजम पर पूरी पाकिस्तानी टीम काफी हद तक निर्भर है। बाबर के ऊपर काफी दबाव होगा बतौर बल्लेबाज और कप्तान दोनों। साल 2023 में बाबर ने कुल 16 वनडे में 2 शतक और 49.66 की औसत से 745 रन बनाए हैं। बाबर के बाद पाकिस्तानी टीम के नया को पार कराने की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होगी मोहम्मद रिजवान के कंधों पर। साल 2023 में रिजवान ने 16 वनडे मुकाबलों में 62.80 की शानदार औसत से 628 रन बनाए हैं जिनमें 6 अर्धशतक शामिल है। बाबर और रिजवान के बाद में टीम में कुल 5 ऑलराउंडर है जिनमें इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान, साउथ शकील बैटिंग ऑलराउंडर है तो शादाब खान और मोहम्मद नवाज दो बॉलिंग ऑलराउंडर भी है। ये सभी बैटिंग और गेंद से मैच जिताने की पूरी ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तानी पेस अटैक की। पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी ताकत है उसका पेस अटैक। आग उगलती गेंदों के साथ पाकिस्तानी गेंदबाज किसी भी बल्लेबाज की बखिया उधेड़ सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी बाएं हाथ से तो हरीश रऊफ दाएं हाथ से कहर बरपाते हैं। दोनों की यही खूबी भी सबसे घातक और खतरनाक गेंदबाज बनाती है। पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों के नाम इस साल जो है 24-24 वनडे विकेट है। इसके साथ दो और नाम हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर का है। हालांकि इनमें से कोई एक ही अपनी प्लेइंग 11 में जगह बना पाएगा। बताते चले कि नसीम शाह की जगह पर शामिल किए गए हसन अली इस साल कोई वनडे मुकाबले नहीं खेले, वहीं मोहम्मद वसीम जूनियर के नाम कुल 14 विकेट है। ऐसे में बैटिंग ऑलराउंडर और गेंदबाज तीनों को मिला दिया जाए तो पाकिस्तानी टीम एक दमदार टीम नजर आती है। इस टीम में वो ताकत और नियत दोनों दिखाई देती है। वहीं ये कहावत भी जरूर सुनी होगी कि हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम रिजवान पर ज्यादा निर्भर है, ये बात विरोधी टीमों को भी पता है। पाकिस्तान भारतीय मैदानों पर उतने मुकाबले नहीं खेली है, ना ही वो उतनी फ्रेंडली है, मतलब भारतीय मैदान पर खेलने का उतना अनुभव नहीं है जितना बाकी टीमों के खिलाड़ी को है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कागजों पर तगड़ी दिख रही पाकिस्तानी टीम मैदान में क्या कुछ खेल दिखा पाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये काफी हद तक क्लियर हो पाएगा क्या 31 साल की दीवार गिरा पाएगी या फिर नहीं। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।